हिस्टोरिकल वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा मौजू ब्लैक होल क्या है और इसकी तशकील कैसे होती है। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। दोस्तों, कायनात की पुरअसरार अशिया ज़माना कदीम से ही इंसान को हैरान और मसरूर करती ही रही हैं। इनमें ख्वाह सितारे हों, सैारे हों, चाँद हो, सूरज हो या खला, ये सभी इन्हीं मैसूर कुन चीज़ों में से ही है जिनको इंसान ने कभी खुदा समझ कर इबादत करना शुरू कर दिया तो कभी चांद पर कमंड डालने का महसूस हुआ, कभी सितारों से किस्मत का हाल जानने पर मजबूर हुआ तो कभी आसमान की दीगर जांच पड़ताल करने में मसरूफ़ हो गया। जैसे जैसे साइंसदानों की रिसर्च बढ़ती गई वैसे वैसे कायनात के राजों से पर्दा उठना शुरू हो गया। यही वजह है कि 21वीं सदी का इंसान जानता है कि किस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और किस तरह सूरज सितारों के गिर्द गर्दिश करता है और निज़ाम शमसी कहकशाएँ किस तरह एक मुतय्यन करदा असूलों और कवानीन के तहत अपने अपने काम कर रही है। ख़वातीनों हज़रात, ऐसे में फिर जहाँ कायनात के कई इसरारों से पर्दा उठा तो वहीं कायनात के अब तक मालूम सबसे अजीब मज़र की निशानदेही भी हुई, यानी फल्कियात की दुनिया में ब्लैक होल की असलाह सामने आई जिसने माहरीन फल्कियात को हैरानगी में डाल दिया। साइंस की दुनिया में इनको कभी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कहा गया तो कभी मौत का कड़ा, और आज से कुछ अर्सा पहले तक ब्लैक होल से साइंस फ्रिक्शन में ही नज़र आते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि वो वाकईतन हकीकत में वजूद में रखते हैं। और ये कुछ ज़्यादा पहले की बात नहीं जब लोग ब्लैक होल के तस्वुर का मजाक उड़ाया करते थे और इनको साइंसी मफरूजों के अलावा कुछ ना समझते थे, मगर अब लोग इनको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। अगरचे अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका कि हम खला में नूरी साल में सफ़र करके किसी एक ब्लैक होल तक जा पहुँचें, ना ही हम इनका बरह रास्त तहकीक कर सकते हैं, मगर फिर भी हमारे पास इनकी मौजूदगी के वाज़ह सबूत मौजूद हैं। नाजरीन, हाल ही में साइंसदानों ने अकब यानी ओकेला नामी मजमूए नजूम में एक नादीरा ब्लैक होल को एक सितारा हड़प करते हुए मुशाहदा कर चुके हैं। इनमें गिरने वाला किसी भी चीज़ का वक्त इसके खात्मे का वक्त होता है, ख्वाह वो सितारा हो, मामूली सामान हो, तवानाई हो या फिर कुछ और, अंजाम सिर्फ मौत ही है। अगरचे ये कायनात की सबसे ज़्यादा तबाहकुन ताकतों में से है, लेकिन फिर भी कहकशाओं के इरतका में और उनकी तामीर में इनका अहम किरदार होता है। दरअसल ब्लैक होल यानी एक ऐसा सितारा जो बहुत ज़्यादा वजन रखता हो, ठोस हो और अपनी तरफ खींचने की सलाहियत उतनी ज़्यादा रखता हो कि अपने नज़दीक की हर चीज़ को अपनी तरफ खींचे, यहाँ तक कि इसकी सतह से रोशनी भी बाहर ना जा सके। ऐसे सितारे या अजसाम बिल्कुल स्याह होते हैं और इनकी सतह से किसी किस्म की रोशनी के अखराज ना होने के बायस इनको देखा नहीं जा सकता, मगर इसके तजाज़ुब की वजह से इसका वजूद महसूस किया जा सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक कायनात में इस तरह के सितारे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल कोई भी बड़ा सितारा जब अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पे एक बड़े धमाके से पड़ता है तो उसके धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है, और इस सुपरनोवा के नतीजे में सितारे का एक बहुत बड़ा हिस्सा खला में बिखर जाता है, बाकी रह जाने वाला हिस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है जहाँ फ्यूजन का अमल नहीं होता। इस ठंडे हिस्से में कशिश की कुव्वत बढ़ती जाती है जिसके नतीजे में इसका हजम कम होना शुरू हो जाता है और कसाफत बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त भी आता है जब सितारे का हजम कम होते होते सिफर हो जाता है और कसाफत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ से रोशनी का इखराज भी मुमकिन नहीं रहता। अपनी ज़िंदगी के अख्ताम पे जब कोई सितारा ऐसी हालत को पहुँच जाता है तो उसको ब्लैक होल का नाम दे दिया जाता है। इस हालत में वो सितारा ऐसे इसरार सुराख की मानंद होता है जिसकी कशिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, बेशतर अफराद में ये तासुर पाया जाता है कि हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया तो ये निज़ाम शमसी के तमाम सितारों को निकल लेगा, लेकिन हैरान कन बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज ब्लैक होल बन भी गया तो तब भी ज़मीन और बाकी सियारे अपने मदार में चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि ब्लैक होल में कशिश का दारो मदार उस पर मौजूद मादे की मकदार पे होता है, और जैसा कि सूरज के ब्लैक होल बनने के बाद इसमें मादे की मकदार भी वही रहेगी, इसलिए सितारों पर लगने वाली कशिश शक्ल भी वही रहेगी। दोस्तों, आइंस्टाइन के नज़रिए इजाफत के मुताबिक ब्लैक होल में गिर जाने वाली कोई भी चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक होल में गिरने वाले शख्स
के लिए तारीख़ का खात्मा ऐसे मकाम पर होता है जिसे वहदानियत कहा जाता है। जबकि हालिया नज़रिए के मुताबिक कायनात में पाए जाने वाले ब्लैक होल दरअसल किसी दूसरी कायनात तक पहुँचने के लिए रास्ता यानी कि दरवाजे का काम करते हैं। यह नज़रिया ब्लैक होल के बारे में पेश करता था इब्तदाई नज़रिए यानी ऐसे जिसम जो लामहदूद कशिश का हामिल हो और अपने ये इर्द गिर्द की तमाम चीज़ों को अपने अंदर जम कर रहा हो के बरक्स है। दोस्तों इस नज़रिए के मुताबिक ब्लैक होल की हैसियत तारीख गार के बजाय दो कायनातों के दरमियान एक ऐसी सुरंग की सी है। इसकी बेइंतहा कशिश की वजह से जो मादा इसमें गिर जाता है वो ब्लैक होल में जमा होने के बजाय दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। बल्फाज़े दीगर ब्लैक होल में जमा होने वाली कहकशाएँ सितारे सैारे दूसरी तरफ से एक दूसरी कायनात की तशकील में इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल असल में ब्लैक होल नहीं है बल्कि वर्म जोन है। अगर इस नज़रिए को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो कायनात की तशकील के बारे में पेश करदा बिग बैंग का नज़रिया गलत हो जाता है। यानी जिस कायनात का हिस्सा हम हैं इसकी तशकील किसी बड़े धमाके की वजह से नहीं बल्कि ब्लैक होल से इखराज शुदा मादे की वजह से वजूद में आई है। तहम ये नज़रिया दुरुस्त साबित होता है या इसकी जगह लेने के लिए कोई और नया नज़रिया सामने आता है इस बात का फैसला आने वाले वक्त और इस मौजू पर होने वाली तहकीक करेगी। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करें, इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखेंगे और हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़।